शुक्रवार यानी कल वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन होने वाला है। 3 अगस्त को ये दौरा शुरू होने वाला है। इस दौरान भारत 3 T20 इंटरनेशनल, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने वाला है। विश्व कप में भारत की हार के बाद मिडिल ऑर्डर काफी बड़ा सवाल है और टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल 5 युवा खिलाड़ी हैं जिन पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। इन खिलाड़ियों को अभी से 2013 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम है पृथ्वी शॉ का। 19 साल के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ आक्रामक बल्लेबाज है और इनकी तुलना सहवाग से की जाती है। पृथ्वी सहवाग की ही तरह बिना किसी से डरे आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने लिस्ट के द क्रिकेट की 26 पारियों में 1605 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 114 से ज्यादा है। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में भी कुछ कमाल की पारियां खेली हैं और दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने रन बनाने का मुद्दा दिखाया है। ऐसे में शॉ को अगर टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है, शिखर धवन अगर इस सीरीज में नहीं खेलते हैं तो पृथ्वी को चुने जाने की संभावना है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मयंक अग्रवाल। विश्व कप में मयंक के चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत को जगह दी गई थी, हालांकि उन्होंने एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इससे पहले उन्होंने टेस्ट टीम में चोटिल पृथ्वी शॉ की जगह शामिल किया गया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू भी किया था। उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैचेस में 3 पारियों में 195 रन बनाए जिसमें से 2 अर्धशतक शामिल हैं। मयंक अग्रवाल को घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम मिला है, तो ऐसे में मयंक अग्रवाल वेस्ट इंडीज दौरे पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं अब नंबर है धोनी के उत्तराधिकारी माने जा रहे ऋषभ पंत की। पंत को वेस्टइंडीज दौरे के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में इंडिया में शामिल किया जाने की पूरी संभावना है। पंत को नंबर 4 पर फिर आजमाया जा सकता है। नंबर 4 का अगर समाधान पंत में ढूंढा जा रहा है तो वहीं मध्य क्रम बल्लेबाज की समस्या का समाधान श्रेयस अय्यर में निकाला जा रहा है। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलने उतरे थे और विराट कोहली के लौटने के बाद उन्हें नंबर 5 पर खिसका दिया गया था। वैसे तो अय्यर को फिलहाल खेलने में ज्यादा मौका नहीं मिला है, हालांकि घरेलू क्रिकेट में वह मुंबई के लिए नियमित तौर पर अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जहीर खान, इरफान पठान और आशीष नेहरा के जाने के बाद भारत को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिल पाया। इसके बाद खलील अहमद के आने से उत्साह बना है। राजस्थान के इस प्लेयर ने 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है और एक साल बाद फास्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। पहले इस साल खलील ने एशिया कप के दौरान एक दिवसीय मैच में पदार्पण किया और अपने प्रदर्शन से प्रभावित भी किया। खलील अहमद 2019 के वर्ल्ड कप में भारत के तीसरे तेज गेंदबाज भी हो सकते थे, हालांकि मोहम्मद शमी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से ये संभावना खत्म कर दी थी। तो ये है वो 5 खिलाड़ी जिसके वेस्टइंडीज के दौरे पर खेलने का मौका मिल सकता है और इन खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा 2023 के विश्व कप के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से प्रतिष्ठा की रिपोर्ट।